अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब जी? लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं? क्या काम किया आप लोगों ने? शेर के बारे में लिखा। हाँ, शेर के बारे में आपने मुख्तलिफ़ बातें अपने दोस्तों से, अपने मम्मा पापा से डिस्कस की थी, हैं? और बातें पता चली आप लोगों के शेर के बारे में कि भाई और शेर कैसा होता है, शेर क्या करता है, आप उसके मुताल्लिक उसके बारे में और बातें करते हैं। जो बातें कल आपने मुझसे सीखी थी, जो हमने यहाँ डिस्कस की थी अपनी वीडियो में, वो बातें आपने बताई थी अपने दोस्तों को। वो कह रहे होंगे ओहो, तुम्हें तो बहुत चीज़ें पता हैं भाई, आपको तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं शेर के बारे में। फिर कुछ बातें उन्होंने भी बताई होंगी, बहुत सी बातें आपने उन्हें बताई होंगी, फिर तो आप बड़े बैठे होंगे भाई इतरा के भाई मुझे तो इतनी चीज़ें पता हैं। तो आपने उनको बताया कि भाई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं देखता हूँ रोज़ाना वीडियोस। जी, मेरे पास आती हैं रोज़ाना वीडियोस और हम मिलके नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। आपके दोस्त भी सीख सकते हैं अगर वो ये वीडियोस देखें, है ना? चलें, कोई बात नहीं, आप उन्हें बताइए ताकि वो भी वीडियोस देखें, वो भी नई नई बातें सीखें, वरना आप तो उन्हें बता ही रहे हैं नई नई बातें, है ना? चलें जी जनाब, फिर आज भी वक्त होता है नए काम का, यानी कि नई बात सीखने का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास मौजूद है हमारी किताब, यानी कि हमारी तितली दोस्त, जो कि हमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बताती हैं, सिखाती हैं, और फिर हम दूसरों को बताते हैं। वो बहुत इम्प्रेस होते हैं कि भाई आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता हैं, क्योंकि आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। जब आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं तो आप जो है नई नई चीज़ें भी सीख रहे होते हैं, जैसे कि हमारी दोस्त बहुत अच्छी है तितली जी। हमारी किताब उर्दू सिलसिला सालसों की किताब, जो कि हमारी दोस्त है जो है तितली, वो आज हमें क्या सिखा रही है देखते हैं। सफ़ा नंबर 72 पे यहाँ मौजूद है, सफ़ा नंबर 72, और यहाँ पे मौजूद हैं ढेरों अल्फाज, यानी कि आज हम फिर नए अल्फाज सीखने वाले हैं, नए अल्फाज पढ़ने वाले हैं और नए अल्फाज लिखने वाले हैं। देखते हैं कि इस सफ़े पे कितने आइकन्स मौजूद हैं, क्या काम हमने करने हैं। चलें देखते हैं कितने आइकन्स मौजूद हैं, आप बताएं मुझे, शाबाश, जल्दी से बताइए कि इस सफ़े पे कितने आइकन्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक जनाब, इस सफ़े पे 3 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन है पढ़िए, यानी कि हमने सबसे पहले इस सफ़े को पढ़ना है। ठीक है जनाब, हम पढ़ लेंगे। दूसरा यानी कि ब की आदि शक्ल पेंसिल रखी हुई है, मतलब पेंसिल फेरिए, हमने पेंसिल फेरनी है। आवाज़ में यानी कि शक्लों पे जो नुक्ते बने हुए हैं, उन नुक्तों पे आहिस्ता 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 हमने क्या करना है, हमने पेंसिल फेरनी है और हमने लफ्ज़ बनाने। ठीक है जनाब, और उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इन तीनों काम करने से पहले हम क्या करते हैं जनाब, हम यहाँ तारीख लिखते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये काम हमने कौन सी तारीख में किया था, है ना भाई? चलें जी, हमने आइकन्स भी देख लिए, इनको गिन भी लिया है, पता भी चल गया हमें कि कौन से आइकन मौजूद हैं, हमें इन्हें यहाँ पे तारीख भी लिख ली है। चलें आप पढ़ लेते हैं, है ना, पढ़ते हैं, चलें पढ़ें। ब ए बे, ब ए बे, ब ए बे, बे बे बे, प ए पे, प ए पे, पे पे पे, पढ़िए के साथ है, ए ए बे पे, बे पे, ते ते ए ते, त ए ते, त ए ते, ट ए टे, ट ए टे, ट ए टे, स ए से, स ए से, स ए से, बे पे ते टे से, वेरी गुड। भ ए भे, फ ए फे, थ ए थे, ठ ए ठे, भे फे थे ठे,
वेरी गुड। नीचे देखते हैं, शाबाश। ज ए जे, ज ए जे, ज ए जे, च ए चे, च ए चे, ह ए हे, ह ए हे, ए खे, ए खे, जे चे हे खे, शाबाश। झे ए झे, झे ए झे, छे ए छे, छे ए छे, बे पे ते ते, ते से, भे फे थे ठे, जे चे हे खे, झे छे। जी हमने पढ़ लिया, अब आपने क्या करना है, पेंसिल निकालनी है, पेंसिल को अच्छी तरह से शार्प करना है, बारी बारी हर लफ्ज़ को आपने जो है उसके नुक्तों को मिलाना है, पेंसिल फेरना है। जब आप पेंसिल फेर लेंगे सब लफ्ज़ पे, सारे अल्फाज पे, आप जो है सब अल्फाज पे पेंसिल फेर लेंगे तो आप रफ कॉपी पे अपने इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे उससे पहले आप क्या करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सारे अल्फाज को पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी टीचर को वॉइस नोट भेजिएगा इसको पढ़ने का, और अपने काम की पिक्चर उनको सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।